डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी के इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, जिसे आइए हम मिल के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है। ये दो तरीके से होता है। तरीका नंबर एक, टेक्निक नंबर वन, यू रैशनलाइज डिनोमिनेटर, एंड टेक्निक नंबर टू विच इज़ वेरी इजी, एक्स की जगह आप रखिए कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह रखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी, आइए अब इसके फायदे आपको समझ में आएंगे, 2 cos theta and differentiation of cos theta is minus sin theta, dx is equal to minus sin 2 theta into d theta, ये dx का वैल्यू है। तो अब देखें क्या हुआ, let the integral be equal to i, तो बार बार लिखने में हमें दिक्कत नहीं होगी, therefore i is equal to I का वैल्यू होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट एक्स हो जाएगा आपका कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, डी एक्स का वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कीप दिस थिंग इन माइंड, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब 2 कैंसिल, यहाँ आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, आई विल बी इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 माइनस 2, बाहर ले लेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, साइन थीटा में फिर फॉर्मूला लगा दें हाफ एंगल का, क्योंकि सारा कुछ अब हाफ एंगल में चल रहा है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है कॉस थीटा। अब ये सब कुछ जब हमारे पास इसको लिख देते हैं फिर लिखने से क्लियर होगा आपके पास, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टू इंटीग्रल के बाहर 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। आप देखें माइनस 2, आपको याद होगा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का, अभी हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, therefore 2 sin square theta by 2 will be 1 minus cos theta, keep this thing in mind, very important formula, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, 1 minus cos 2 theta होगा तो 2 sin square theta होगा, 1 plus cos theta तो 2 cos square theta by 2, 1 plus cos 2 theta तो 2 cos square theta cos theta d theta। बड़ा आसान है, आप डायरी में नोट कर लें, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा इजीली इंटीग्रेबल साइन थीटा होगा, पर कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप लिखें हाफ डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो आपने कहा अभी था आपको कि 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, आइए देखते हैं कैसे इसको कोरिलेट कर पाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2,
तो जब आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या बनेगा ये मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से होगा। आप इसे बार बार लिखें, बार बार लिखेंगे आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज, ये भी चाहे तो एक ब्रैकेट और बढ़ा दे, डी थीटा, तो इसे क्लोज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा माइनस 1/2 कॉमन, दिस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा बाय 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी। इसे जरूर लगाइए वरना आपका हाफ मार्क जा सकता है। आए अब देखें आगे क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैथमेटिक्स से रेलेवेंट होगी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, नेवर माइंड। आई इज इक्वल टू माइनस 2, बड़ा शानदार तरीका, देखिए साइन थीटा, चाहे तो आप 2 अगर विलिंग हो माइनस 2 मल्टीप्लाई करने के तो इसी स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर सकते, नो हार्म इन मल्टीप्लाइंग इन दिस स्टेप। माइनस 2 साइन थीटा, माइनस इनटू माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास होगा थीटा, अब प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस साइन 2 थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, 2 2 कैंसिल। अब आप देखिए माइनस 2 साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट साइन थीटा एज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा, इससे निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे देखिए, दिस इंप्लाइज रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस, उधर भेज दीजिए आप कॉस इनवर्स रूट एक्स, रूट एक्स कॉस इनवर्स नहीं लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स रूट एक्स इज द अप्रोप्रिएट वे टू राइट एंड दिस इज द ओनली वे टू राइट, ये एकमात्र तरीका है। अब देखिए साइन थीटा इज व्हाट, तो साइन थीटा अभी हमने लिखा इस तरीके से, रूट सॉरी थीटा इज देयर सो आई एम सपोज टू राइट दिस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा यू कैन राइट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एज इट इज कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देखिए माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स प्लस थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मींस 1 माइनस एक्स बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स एंड कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज रूट एक्स प्लस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सो फाइनली दिस इज द आंसर। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकल रही है तो वो निकाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इन दोनों में से निकाल लें, जो निकल रहा है कॉमन निकालेंगे तो आप हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स
माइनस टू प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सी. सो फाइनली दिस इज द आंसर. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका था इसे सॉल्व करने का. और जो दूसरा टेक्निक था रैशनलाइजेशन का, यदि इफ़ यू आर विलिंग टू सी दैट सॉल्यूशन, सो डू राइट इन कमेंट बॉक्स. आई विल सॉल्व द क्वेश्चन इन दैट मेथड. और मेरे चैनल को, जैसा कि आप जानते ही हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें. विश यू ऑल द बेस्ट.